धन्यवाद 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 करते मेरे खुदावन, मेरे यीशु राजा, मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का ये पवित्र पावन समय दिखाने के लिए मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जी, दिन भर हमें संभाले रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से प्रभु जी, हर एक जादू टोने की शक्तियों से प्रभु जी, हर एक दुर्घटनाओं से प्रभु जी आपने हमें बचा कर, आपने हमारे परिवारों पर आशीष दिया, हमारे हर एक कार्यों पर आशीष दिया, हर एक कार्य को सफल बनाया मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते मेरे पिता। प्रभु जी, हम आपकी जय जयकार करते हैं आज के सुंदर पावन बेला में मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मेरे प्यारे मसीह भाई, अपने प्रभु का वचन कहता है आज के सुंदर शाम में, पवित्र बेला में। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 14 में, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपका भी स्थिति चाहे दयनीय हो, आज आप कर्जों में, आज बीमारियों में, आप छुटकारे की आस में हैं, आप कुछ भी चीज़ों से परेशान है, कोई भी बीमारियों से, कोई भी संकटों से आज आप परेशान हैं, अपने कंगाली से आप परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, तो प्रभु आज आपको आज़ाद करेगा उन चीज़ों से। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आज तक आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, लेकिन प्रभु आज आपके परिवारों के, आपके जीवन के भाग्य को पलट देंगे। प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको गरीबियों से निकालेंगे, आपको कर्जों से आज़ाद करेंगे, आपको बीमारियों से छुटकारा देंगे, आपको पापों से क्षमा देंगे। यदि आज आप पापों में, व्यभिचार में, नशों में पड़े हुए, तो प्रभु आज आपको छुटकारा देगा उन सारी चीज़ों से। प्रभु आज आपको आज़ाद करेगा। आप लोग विश्वास करें, प्रभु का वचन कहता है आज के शाम में कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। जो पहले स्थिति था, अब वैसा नहीं रहेगा, अब प्रभु आपके भाग्य को पलट देगा। लोग बहुत तरह के बातें बोलते थे, लोग आपको ताने मारते थे, लेकिन प्रभु आज कहता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हर एक चीज़ों को करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं प्रभु जी। आपके लिए कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ प्रभु जी असंभव नहीं मेरे पिता। प्रभु जी, आज के शाम के बेला में पिता, हम लोगों पर, हम सारे भाई बहनों पर प्रभु जी, हमारे ऊपर प्रभु जी अपना अनुग्रह कर मेरे पिता। प्रभु जी, हर एक लोगों के भाग्य को पलट प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु जी आज गरीबी में मेरे खुदावन प्रभु जी, उन्हें गरीबी से आज़ाद कर, उनके भाग्य को पलट। जितने लोग आज कंगाली में मेरे पिता प्रभु जी, उन्हें कंगालियों से आज़ाद कर प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी, उनके परिवारों में प्रभु जी, अपने आकाश रूपी भंडार को खोल दे मेरे पिता। उनके घरों में प्रभु जी धन की आशीष बरसा। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू उनके भाग्य को बदल। हे मेरे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के शाम में पिता। प्रभु जी, हर एक लोगों पर दया कर। जो लोग प्रभु जी आज व्यभिचार में, पापों में पड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी नशों में पड़े हुए प्रभु जी, वे उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं, उन सारे पापों को, व्यभिचार को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पिता प्रभु जी, तू उन पर दया कर। लेकिन वो छोड़ नहीं पाते प्रभु जी, तू उन पर दया कर, उनके भाग्य को पलट पिता। आज तू उनके भाग्य को पलट प्रभु जी। जो प्रभु जी आज जॉब की तलाश में मेरे खुदावन प्रभु जी, तू उन्हें जॉब से आशीषित कर, तू उनके भाग्य को पलट मेरे खुदावन प्रभु जी। आपने अपने वचनों में बोला है कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा प्रभु जी, आज भाग्य पलट दे मेरे पिता। जो आज प्रभु जी सालों से प्रभु जी, वर्षों से आज कर्जों में प्रभु जी, आज कर्जों में पड़े हुए प्रभु जी, तू उनको प्रभु जी कर्जों से आजाद कर, तू उनके भाग्य को पलट दे मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी आज चल नहीं सकते प्रभु जी, बीमारियों में पड़े हुए प्रभु जी आज तूने आजाद कर। प्रभु जी, जिनकी आशा टूट चुकी है, उनको लगता है कि अब वो चंगे नहीं हो सकते, लेकिन पिता आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। तू उनके भाग्य को पलट और प्रभु जी वे चंगे हो जाएंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू उन पर दया कर। हालेलुया मेरे खुदावन, मेरे यीशु राजा, हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु जी, तू हर एक लोगों के भाग्य को पलट प्रभु जी। आज उनके बच्चों को प्रभु जी, आज उनके बच्चे का भाग्य पलट प्रभु जी, उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल बना। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी बच्चे प्रभु जी आज नशों में पड़े हुए प्रभु जी, व्यभिचार में पड़े हुए प्रभु जी, अपने पढ़ाई लिखाई से दूर चले गए मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उन पर दया कर प्रभु जी, तो उनके भाग्य को पलट। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। हे मेरे यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी, तू दया कर, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है मेरे खुदावन प्रभु जी, तू सत्य प्रतिज्ञ है। आपने बोला अपने वचनों में मेरे खुदावन कि प्रभु जी, मैं तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा प्रभु जी। आप दयालु हैं प्रभु जी, आप पापियों से प्रेम करते हैं मेरे प्रभु जी। आज तू हमारे अपराधों को क्षमा कर दे और हमारे भाग्य को पलट दे मेरे खुदावन। मेरे पिता, हम आपसे विनती करते हैं। हे मेरे यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमने अभी तक जितने भी अपराध, जितने भी पाप किए मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उन पापों को ना देख प्रभु जी, तो हमें देख प्रभु जी, तो अपने बड़े होने के कारण मेरे प्रभु जी, हमारे अपराधों को क्षमा कर और प्रभु जी हमें शांति दे प्रभु जी।
हमें अपने अनुग्रह और अपने प्रेम से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं ताकि प्रभु जी हम कोई भी अपराधों में दोबारा ना पड़े। मेरे प्रभु जी, हम आपके मार्गों पर चलना चाहते हैं मेरे खुदावन। मेरे पिता हम आपके करीब आना चाहते हैं, हम आपके प्रेम से भरना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हम पर दया कर मेरे पिता, प्रभु जी हम पर अपना अनुग्रह कर मेरे खुदावन। प्रभु जी अपना जलाली वाला हाथ प्रभु जी हमारे सर पर रख। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, हे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आपने बड़े बड़े रोगों को प्रभु जी उनके जीवन से, बहुत सारे लोगों के जीवन से निकाला प्रभु जी। आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लंगड़ों को चलाया है मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है। आज प्रभु जी जितने भी कोढ़ हैं प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी लंगड़े हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, आज तो उन्हें चंगा कर प्रभु जी, उन्हें शुद्ध पाक कर मेरे खुदावन मेरे पिता। आज जितने भी लोग प्रभु जी पापी हैं मेरे पिता, जो लोग प्रभु जी अपने टूटो मनों को लेकर प्रभु जी आपके सम्मुख आपके उपस्थित बैठे हैं मेरे पिता, प्रभु जी तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी। तो उनके अपराधों को क्षमा कर दे मेरे पिता प्रभु जी। तो उनके परिवार से प्रभु जी हर एक दुखों को प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी जितने भी समस्याएं हैं मेरे पिता, तो उन्हें आजाद कर प्रभु जी। तो उनके अंदर शुद्ध मन दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जी वे प्रभु जी पाप न करें। उनके अंदर शुद्ध आत्मा दे मेरे पिता प्रभु जी। प्रभु जी वे आपकी आत्मा के द्वारा चलाए चले, आपके बातों को सुने समझे मेरे प्रभु जी, आपके वचनों पर चले। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके विचारों से प्रभु जी यदि कोई पाप हुआ है मेरे पिता, तो उन पर भी दया करो प्रभु जी। उनके विचारों को शुद्ध कर, उनके मुख में प्रभु जी आपकी वाणी रहे, आपके वचन रहे मेरे पिता। प्रभु जी, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वे आपके राहों पर चले। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी वे सच्चाई और बुराई का पहचान कर सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम आपसे विनती करते हैं मेरे यीशु राजा। तू दया करने वाला है, तू दया कर, तू चंगा करने वाला है मेरे यहोवा परमेश्वर, तू चंगा कर मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हम सब आपके भेड़ बकरियां हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, तू दया कर दे मेरे खुदावन मेरे पिता, तू दया कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, पिता हम पर दया कर। हालेलुया, हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु जी, इजराइल के परम पावन पिता परमेश्वर, हे इब्राहिम इसहाक याकूब के प्रभु, तू दया करने वाला है, तू दया कर, तू चंगा करने वाला है, तू चंगा कर प्रभु जी, तू छुटकारा देने वाला है मेरे खुदावन प्रभु जी। आज हमें छुटकारा दे, और हर एक भाई बहनों को प्रभु जी हर एक चीजों से, हर एक बंधनों से आज छुटकारा दे। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज प्रभु जी पाप, आज प्रभु जी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, तो उन सारे भाई बहनों पर दया कर मेरे पिता। जो प्रभु जी विश्वास में कमजोर हो चुके हैं मेरे, तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी, उनके विश्वास को मजबूत कर, उनके विश्वास को दृढ़ कर मेरे खुदावन प्रभु जी, उनके प्रार्थना लाइफ को आगे बढ़ा। हे मेरे यीशु राजा, हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी अपनी आशीष को बरसा दे प्रभु जी। प्रभु जी आज के इस रात में मेरे खुदावन प्रभु जी हर एक लोग प्रभु जी आशीषित होने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के बच्चे को, उनके परिवार के हर एक लोगों को प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी उनके परिवारों में बीमार है मेरे पिता, तो उनके परिवारों के ऊपर अपना अनुग्रह कर पिता। उनके परिवार से हर एक रोगों को, हर एक बीमारियों को मेरे खुदावन प्रभु जी तो दूर कर दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, और आज के इस रात में हर एक लोगों का भाग्य पलट दे। हे मेरे यीशु, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप ही हमारी ढाल है मेरे खुदावन प्रभु जी, आप ही हमारे गौरव हैं मेरे पिता। प्रभु जी आप ही हमारे सरों को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, आप ही आदि और आप ही अंत हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप ही सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो प्रभु जी जो आप वादा करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, आप वो करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा कोई भी वादा नहीं प्रभु जी जो आप पूरा नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मनुष्य नहीं हैं जो अपने वादे को करके भूल जाता है परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप वो परमेश्वर हैं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो हमेशा हर एक परिस्थिति में सत्य प्रतिज्ञ रहता है। प्रभु जी आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आज तू अपने वादे को पूरा कर मेरे खुदावन, तो अपने वचनों को प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन में पूरा कर, हर एक लोगों के परिवारों में पूरा कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक लोगों का भाग्य पलट दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज जितने लोग भी प्रभु जी इस संसार से जा चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु जी। प्रभु जी तू उस परिवार के दुखों को प्रभु जी शांत कर मेरे खुदावन प्रभु जी, तू उनके दुखों को दूर कर, उनके मन में प्रभु जी उनके दिल में दिलासा दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका दिलासा प्रभु जी हर एक दुखों से बढ़कर है, उस परिवार में शांति बरसा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु जी तू दया कर दे, मेरे खुदावन मेरे यीशु राजा, हम आपसे विनती करते
करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक लोगों को बुद्धि और विवेक दे, और प्रभु जी आज के इस रात में प्रभु जी हर एक दुख बीमारियों से, हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से, जादू टोने की शक्तियों से, विषैले जीव जंतुओं से मेरे खुदावन मेरे पिता आज बचा कर रख। प्रभु जी आज के इस रात में हर एक लोगों को सुख शांति की नींद प्रदान कर, और फिर से एक नई सुबह दिखा प्रभु जी, ताकि वे आपकी महिमा कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, और इन प्रार्थना को मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, और विश्वास के साथ हम मांगते हैं मेरे खुदावन तू दया कर। और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आपने इस प्रार्थना को सुना है और कबूल किया है। हम फिर से प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।